ऑनलाइन ट्रक बुकिंग ऐप के माध्यम से ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह को भिंड पुलिस ने पकड़ा। 25 लाख से ज्यादा की ठगी कबूली। भिंड एसपी मनोज कुमार, एएसपी कमलेश कुमार के नेतृत्व में साइबर अपराधों की कार्रवाई में भिंड पुलिस को मिली बड़ी सफलता। फरियादी पृथ्वीराज सिंह ढांचा भवन कैलाश नगर दुर्ग भिलाई की रिपोर्ट पर थाना देहात में अपराध धारा 420-34 भादवे कायम किया गया। इसमें पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। शेष 3 आरोपियों की तलाश जारी है, जिनसे पूछताछ के दौरान करीब 40-50 ज्यादा व्यक्तियों के साथ ठगी करना स्वीकार किया गया है। आरोपियों के द्वारा गूगल प्ले स्टोर वाहक ट्रांसपोर्ट मार्केट नामक ऐप का इस्तेमाल कर खुद को ट्रांसपोर्टर के तौर पर रजिस्टर्ड करते थे। जब कोई व्यक्ति ऐप के माध्यम से गाड़ी की तलाश करता था तो उसकी जानकारी आरोपी गणों तक पहुंच जाती थी। इसके माध्यम से आरोपी गण ट्रांसपोर्टर बनकर फोन पर गाड़ी भेजने के नाम पर एडवांस में पैसा लेकर किसी और को ट्रांसपोर्टर की गाड़ी भिजवा कर पैसे ले लेते थे। जब ओरिजिनल ट्रांसपोर्टर के पास पैसा नहीं पहुंचता था तो वो गाड़ी बढ़ाने से मना कर देता था। इसके बाद फरियादी को पता चलता था कि उसके साथ धोखाधड़ी हो गई है। आरोपी गण बड़ी बड़ी कंपनियों से माल ट्रांसपोर्ट करने के नाम पर 50,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक की ठगी करते थे। फरियादी पृथ्वी सिंह भलावी निवासी से 85,000 की ठगी करने वाले आरोपी उत्तर प्रदेश के आरोपी, जो भिंड के नाम से फर्जी अकाउंट और पते पर ठगी कर रहे थे। इसमें भिंड पुलिस के द्वारा 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने 25 लाख की ठगी स्वीकार की है। आरोपियों के कब्जे से मोबाइल के साथ अन्य सामग्री जब्त की गई है। आरोपी उत्तर प्रदेश के भिंड का पता डालकर भिंड को बदनाम कर रहे थे। शेष 3 आरोपियों से तलाश और पूछताछ जारी है। तो फिर उन बैंगलोर गया, वहाँ पता किया कि मुझे आपके अकाउंट है। बोले नहीं, हमारे नहीं है, ये तो भिंड के अकाउंट है। तो फिर मैं भिंड आया, भिंड में पूछताछ किया, तो फिर साहब लोग से मेरी गया, मैंने साहब से मिला। साहब से मिलने के बाद फिर मैं थाने गया। थाने से मैं 8 तारीख को मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन दिया। उसके बाद साहब लोगों ने मेरी हेल्प करते हुए आरोपियों को पकड़ा दिया। क्या नाम? मेरा नाम पृथ्वीराज सिंह है, भिलाई छत्तीसगढ़ स्टेट। ये एक फ्रॉड ग्रोह है और इसमें भिलाई के एक आवेदक थे, उनके द्वारा एक रिपोर्ट की गई कि उन्होंने कुछ अपना सामान पैक करवा के बेंगलोर से बोकारो पहुंचाने के लिए बुक किया था। और जब बुक किया गया तो उसके उपरांत उस ट्रांसपोर्ट को कुछ पेमेंट भी करना पड़ा। पेमेंट करने के उपरांत जब उनका सामान नहीं गया तो उनको एहसास हुआ कि मेरे साथ में फ्रॉड किया गया, चीटिंग हुई है। तो इसी आधार पर थाना देहात में एक FIR 420 की पंजीबद्ध की गई थी। उसी में हमारी टीम के द्वारा, साइबर की टीम व हमारी पुलिस टीम के द्वारा इसमें मेहनत की गई और जब पता लगाया गया तो कुछ इसमें आरोपी पकड़ाए हैं जो अंतर्राज्यीय स्तर पे इस प्रकार के साइबर फ्रॉड कर रहे हैं।